हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज है 7th of September और आज मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ एक रोड ट्रिप पे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रोड ट्रिप इज कि माय बेटा इज आल्सो विथ मी, माय इन-लॉज आर विथ मी एंड इज गोइंग टू बी अ टेंपल रन ब्लॉग। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसा जा रहा हूँ, वो आप टाइटल में भी देख लोगे एंड जो आने वाला जो जर्नी है उसमें भी देखोगे। दो गाड़ियाँ हैं, एक मेरी गाड़ी एंड एक अनादर वन जो ऑलरेडी चली गई है मेरे इन-लॉज को लेने, और बच्चा है तो बहुत पैकिंग में बहुत टाइम लग रहा है। बट देन आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ड्राइविंग सीट अगेन। ये मेरी गाड़ी है एंड लेट्स गो, लेट्स हैव अ किक-ऐस व्लॉग एंड लेट्स हैव अ लॉट ऑफ फन बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट। सो लेट्स गो। ऑलराइट, सामान सारा पैक हो गया है एंड इट्स टाइम टू लीव। द टिपिकल प्रॉब्लम ऑफ माई फैमिली इज यू आर सपोज टू लिव एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग और अभी बजे है 7:15। सो या ऑल थैंक्स टू हर कोरोना। अदु अदु बाजूपला। So, हम सब साथ में हैं एंड या क्रूज कंट्रोल सेट एंड ऑफ वी गो। ओके, सो एट तलेगांव टोल नाका डिस्पाइट बीइंग इन द फर्स्ट लेन वी आर स्टिल स्टक इन ट्रैफिक। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन ऑफ इंडियन पीपल। बट मीनवाइल मेरा बेटा इधर देख, आदि राइट। सो हम रुके हैं एट फूड कार्निवल पे एंड द प्लान इज कि यहाँ पे नाश्ता किया एंड वी आर गोइंग ऑफ। ओके, सो मैं अभी हूँ एट खेड़ एंड इट्स ऑलमोस्ट 11:30। तो मैं काम भी जस्ट टुक अ ब्रेक, मैंने भी मुझे भी बहुत नींद आ रही थी ऑन द स्टीयरिंग। रास्ता काफ़ी ख़राब है बट द बेस्ट पार्ट इज कि ट्रैफिक नहीं है एंड जितनी भी ट्रैफिक ऑन रोड है तो पीपल डोंट रियली हैव ड्राइविंग सेंस विच इज़ एब्सोल्युटली बैड। एंड उसके अलावा आई एम एंजॉइंग द ड्राइव क्योंकि कितने टाइम बाद मुझे मेरी गाड़ी चलाने के लिए। बट देन आई एम हैप्पी दैट आई एम ड्राइविंग बट आई एम सैड दैट आई एम ड्राइविंग इन इंडिया क्योंकि लोगों को यहाँ पर सच में हर एक को पहला जाना है, पता नहीं किस बात की ढाई है। शुड ऑलवेज बी अ डिफेंसिव ड्राइवर, लेट अदर पीपल गो फर्स्ट। एनीवेज, so I'm here and it's 11:30 and hope to meet my in-law in few kilometers from now. By the way, these are the two cars that we are traveling and these are my family. In sabke saath main ja raha hu, so until next time. All right, so main abhi hu Karad mein. Mere yahan se Kolhapur aur kuch around 60-70 kilometer hai aur hum yahan ruke hain hotel Atithi mein khana khane क्योंकि मेरा जो इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, वो आगे है 12 किलोमीटर और मेरी जो बाकी फैमिली है वो पीछे है 12 किलोमीटर। सो बाय द टाइम दे बोथ कम इन, वी थॉट व्हाई नॉट हैव समथिंग। एनीवे, सो दिस इज़ द जंक्शन एंड यहाँ से आपने जाना है कराड़ के लिए लेफ्ट एंड कोल्हापुर के लिए स्ट्रेट। दिस इज़ द होटल एंड या सो फार सो गुड। और ये है चूली वर्ची, भाकरी, पिटल, दाल, चटनी, ठेसा एंड प्याज। माय वाइफ इज ईटिंग नॉन वेज एंड माय सिस्टर एंड माय मदर, दीज ऑल आर कसाई औरतें एंड आई एम गोइंग टू ईट। एनीवे, सो लेट्स एंजॉय द मील। और एट अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोल्हापुर एंड आज है 8th of September, सुबह के 8 बजे हैं एंड हम जा रहे हैं मंदिर। तो माई वाइफ, माई इन लॉज, मेरा बेटा एंड अगेन माई इन लॉ, तो सारे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पैरों में चप्पल नहीं है। नॉट दैट कि कोई भक्ति भाव है, द थिंग इज मेरे पास चप्पल नहीं है। बट एनी वेज,
It's serving both the purposes. So at the moment we are staying at this hotel. Quite decent property in budget. And yeah, this is how Shivaji Chowk in Kolhapur looks like. यहाँ पे बहुत बड़ा गणपति जी की मूर्ति है, ऑलमोस्ट 21 फीट की. सो या दैट्स द प्लान. अब जाएंगे दर्शन करेंगे एंड देन वहाँ से रिटर्न आने के बाद में नाश्ता करेंगे एंड पोस्ट नाश्ता वी माइट बी हेडिंग टू गोवा. सो दैट्स द प्लान फॉर नाउ. तो ये है वन ऑफ द एंट्रेंसेस. बहुत सारे एंट्रेंसेस है अंदर जाने के लिए, बट या दिस इज़ वन ऑफ इट. एंड द क्लॉक इज़ नॉट वर्किंग, द कंस्ट्रक्शन इज़ क्वाइट ओल्ड, बट इट्स कूल, नाइस टू सी. एक देवी का मंदिर वहाँ है एंड एक देवी मेरे साथ है. सो हाउ डू यू फील? वेरी नाइस. हाउ डू यू फील आफ्टर हैविंग अ बेबी एंड कमिंग टू द टेंपल सीक ब्लेसिंग? एनीवेज, विल जस्ट एंटर फ्रॉम योर एंड टेक द दर्शन. All right. Okay, so हम अंदर तो आ गए मंदिर के. This is a pro tip. There's no shorts allowed. So if you can see, मैंने यहाँ से एक शॉल ले ली और मैंने बांध दी. Anyways, so me, my baby, and my beautiful wife, which just got pissed on me because I'm manhandling my baby according to her. But that's not the truth. Anyways, चलो, let's take the darshan, huh? So how was the darshan? So we just took the darshan. The problem is andar shooting karna allowed nahi hai, but I'm happy ki mere bacche ko bhi bless kiya because they also gave the har. Either this is the exit and yeah. Ye market area and this is my family. Yeah, they are having a nice time. So now the plan is ki yahan se we'll go have some breakfast and then probably proceed to another destination, another temple probably. Yeah, maybe to another beautiful destination. Let's say, let's say get it. Ah! So for those who don't know, this is the light post. Like they used to put diya here. And that is the सोने का बाल्की. टोटल 26 किलो सोना चढ़ा हुआ है वहाँ पर. बोला है फोटो शोटो खींचना नहीं है, बट देन या दैट्स हाउ इट इज. एंड वी आर जस्ट गोइंग अराउंड द टेंपल. एंड फाइनली वी आर बैक इन अ होटल एंड यहाँ से वी आर गोइंग टू गो टू अनदर डेस्टिनेशन दैट आई विल शूट इन अनदर व्लॉग. सो दिस वाज इट फॉर द व्लॉग एंड फ्रॉम माय आउटलुक. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे बेटे का दर्शन हो गया और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया. ना हमें ज़्यादा वेट करना पड़ा एंड इट वॉज वेरी स्मूथ. सो थैंक यू गॉड फॉर द दर्शन, फॉर लेटिंग अस कम टू यू एंड टेक द दर्शन. सो दिस वाज इट फॉर द ब्लॉग. इन केस इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स अबाउट मी एंड माय सन.